नमस्कार, मैं हूं प्रियाक्षी अग्रवाल और आप देख रहे हैं ऑल वन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर टीम बनाकर दिल्ली एनसीआर में करते थे लूटपाट, पुलिस द्वारा 5 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली के पांडव नगर थाने में होमगार्ड के सुसाइड मामले में SHO को लाइन हाजिर किया गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता पर 10 साल की लड़की ने यौन शोषण का लगाया आरोप। मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका, सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार होना। पाक की दखलंदाजी से भड़के अफगानी नागरिक, काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक ISI का विरोध प्रदर्शन। कोरोना, 2 साल के बच्चे को कोरोना टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा। अभी भी खत्म नहीं हुई है जंग, अब पंजशीर में अज्ञात सैनिक विमानों ने तालिबान पर हमला शुरू कर दिया है। ओवल में 50 साल बाद टीम इंडिया को मिली एक ऐतिहासिक जीत, आखिरी बार 1971 में मिली थी जीत। ओवल में ऐतिहासिक जीत के ऊपर बोले PM मोदी, कहा टीकाकरण के मोर्चे और क्रिकेट पिच पर महान दिन। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां की तबीयत बिगड़ी, लंदन से शूटिंग छोड़कर वापस आना पड़ा मुंबई। अमरुल्ला साले ने पंजशीर फोर्स की कमान संभाली, खास रणनीति से तालिबान के आतंकियों पर कर रहे हैं हमले। बाढ़ के कारण पानी पानी हुआ सुपर पावर अमेरिका, न्यूयॉर्क से न्यूजर्सी तक काफी बुरे हैं हालात। हरियाणा के करनाल में आज होगा किसानों की महापंचायत, लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, लागू की गई धारा 144। किसानों की महापंचायत से पहले बंद की गई इंटरनेट सेवाएं, हरियाणा सरकार ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कृषि कानून की वापसी को लेकर जारी है किसानों का आंदोलन, 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में महाबैठक। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। UP विधानसभा के लिए BSP का चुनावी अभियान शुरू हुआ, आज लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन। यूपी के CM योगी राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ करेंगे, नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान, 403 सीटों पर उतारी गई उम्मीदवारी। इंदौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी, किया गैस की टंकी बना हुआ डाक टिकट। अमृतसर में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज में अंतर को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश, कहा 84 दिन के बजाय 28 दिन का हो अंतर। महाराष्ट्र के 5 जिलों में अभी भी बढ़ रहा है कोरोना, केरल में बीते 24 घंटों में फिर 26,000 से ज्यादा नए मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से बच्चों की मौत पर केंद्र की नजर, केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। ऐसी और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑल वन न्यूज। धन्यवाद।